हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज है संडे और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर संडे मैं लेके आता हूँ आपके लिए जॉब अपडेट इंजीनियर्स के लिए, आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए। पिछले हफ्ते में कौन कौन सी इंटरेस्टिंग जॉब निकली हुई है जो आपके कैरियर को सही में बूस्ट दे सकती है, उसी बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आपको आखिर तक बने रहना पड़ेगा मेरे साथ या फिर मैं जब तक आपको जाने के लिए ना बोलूँ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। भाई लोग, इस वीडियो में लाइक एम रखते हैं हम 2000 लाइक्स का। उम्मीद है आप लोग अपना प्यार दिखाएंगे, लाइक एम कंप्लीट करने में हमारी मदद जरूर करेंगे। आज की पहली अपडेट आ रही है HAL की तरफ से। HAL एसेसरीज डिवीजन लखनऊ का रिजल्ट पहुंच चुका है, ऐसा कुछ लोगों ने मुझे बताया है जिनका सिलेक्शन हुआ है। एक डिप्लोमा वाले हमारे भाई हैं जिसने हमारे साथ अपना रिजल्ट शेयर किया है और वो इंस्ट्रक्शंस भी शेयर किए हैं जो HAL ने उन्हें दिया है। तो HAL के अनुसार 20 से 23 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है लखनऊ में। 20 तारीख को डिप्लोमा मैकेनिकल वालों का है, 23 तारीख को BE BTECH वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। भाई लोग, वेबसाइट में नहीं है लिंक, जो सेलेक्ट हुए हैं उनके मोबाइल पर SMS गया है और वही लोग बस ये रिजल्ट डाउनलोड करके देख पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है भाई कि कोई हमारा भाई, डिप्लोमा वाला भाई खासकर, हमारे साथ अपना रिजल्ट और जो इंस्ट्रक्शन है HAL का शेयर किया। थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मैकेनिकल गुरु यूट्यूब फैमिली की तरफ से। अगली गुस्सा दिलाने वाली अपडेट आ रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। AAI ने एक कॉरिगेंडम अपने वेबसाइट पे अपलोड किया और इसके अनुसार जो मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकली थी ना AAI में, उसकी लास्ट डेट को बढ़ा के अब 18/9/2018 तक, यानी कि 18 सितंबर तक कर दिया गया है। यानी कि जो टेंटेटिव एग्जाम डेट थी पिछले वाले एडवर्टाइजमेंट में, जो 11/9/2018 से 14/9/2018 के बीच, यानी कि सितंबर में एग्जाम होना था AAI का, अब तो वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। लेकिन ये सब देख के अच्छा नहीं लगता कि लास्ट डेट एक्सटेंड हो जाती है, फिर एग्जाम की डेट भी एक्सटेंड हो जाती है और सब परेशान होते रहते हैं। अगली अपडेट आ रही है NIL यानी कि नवरत्न इंडिया लिमिटेड की तरफ से। फेक है भाई लोग, ये फेक है। नवरत्न इंडिया के नाम से कोई भी PSU नहीं है, फेक नोटिफिकेशन है। नवरत्न इंडिया के ऊपर मैंने एक महीने पहले, उससे भी पहले वीडियो बनाया था जहां मैंने बताया था किस तरह ये लोगों को लूटने का काम कर रहा है, लॉयड्स टीम इसके पीछे में है। तो आप नवरत्न इंडिया का फॉर्म बिल्कुल भी मत भरिएगा भाई, बिल्कुल भी मत भरिएगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरा NIL वाला पहले वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप पेमेंट अपनी कीजिएगा। अगली अपडेट आ रही है सेल की तरफ से, BSP की तरफ से, भिलाई स्टील प्लांट की तरफ से। यहाँ पे अप्रेंटिस ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है BE BTECH डिप्लोमा वालों के लिए। BE BTECH वालों के लिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस की व्यवस्था की गई, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर 150 पोस्ट हैं। इसके अलावा डिप्लोमा वालों के लिए टेक्निकल अप्रेंटिस में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, सिविल, ECE, CS, IT, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर इनकी डिप्लोमा वालों की 200 सीट है, 200 पोस्ट हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो देख लीजिएगा भाई, इसके ऊपर पहले मैंने वीडियो बना दिया है। और एक जरूरी बात और, ये फेक नहीं है भाई लोग। तो जनवरी में निकला था ITI वालों के लिए अप्रेंटिसशिप का निकला था, जिसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई थी, सभी को पता है। लेकिन ये जो निकला एकदम सही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो BSP सेल का अप्रेंटिस का फॉर्म भर दीजिएगा। NETS में आपको एनरोल करके अप्लाई करना है, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों की दे दे रहा हूँ, अप्लाई करने की भी और नोटिफिकेशन की भी। तो अगर आपने BSP सेल का नोटिफिकेशन, अप्रेंटिस ट्रेनिंग अभी तक नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भाई लोग, अगली अपडेट आ रही है बार्क मैसूर की तरफ से। यहाँ पे स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के अंदर कुछ पोस्ट निकली है, जिसके लिए 12th पास आउट TCM वाले, ITI वाले, डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के अंदर कुल मिलाकर 26 पोस्ट निकली हुई है, जिसके लिए BSc फिजिक्स केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा मैकेनिकल वाले, केमिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, E&C वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने की आखिरी डेट 12/9/2018 रखी गई, एज लिमिट 18 से 24 साल रखी गई है। आपके लिए फॉर्म भरने की फीस 150 रुपये रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पे स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 में 52 पोस्ट निकली हुई है। यहाँ पे जो पोस्ट निकली हुई है लेबोरेटरी असिस्टेंट के और प्लांट ऑपरेटर की, इसके लिए 12th पास आउट वाले अप्लाई कर सकते हैं, जो 60% के साथ 12th पास आउट है PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लेके। इसके अलावा यहाँ पे ITI वालों के लिए पोस्ट निकली हुई है, जिसमें फिटर, टर्नर, मिलिंग, वेल्डर, ड्राफ्टमैन और बहुत सारे ITI वाले कोर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं।
स्टाइपेंडेड ट्रेनी कैटेगरी टू का फॉर्म भरने की फीस है 100 रुपये। एज लिमिट रखी गई है 18 से 22 साल। फॉर्म भरने की लास्ट डेट वही है 12/9/2018। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो चेक कर लीजिएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दे रहा हूँ। आज की अगली अपडेट आ रही है BEL की तरफ से, यहाँ पे 147 पोस्ट निकली हुई है BE/BTECH वालों के लिए। लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 30 अगस्त। BE/BTECH वाले फाइनल ईयर में अगर आप हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स E&C, ET&T, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, E&E, CS और IT वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैकेनिकल की फील्ड में बात करें तो क्या डिजायरेबल एक्सपीरियंस किस फील्ड में होना चाहिए, नोटिफिकेशन में बकायदा लिखा हुआ है। बता दूँ सॉफ्टवेयर का भी यहाँ पर नाम दिया हुआ, जैसे कि ऑटो कैड या फिर सॉलिड वर्क्स में आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस है मैकेनिकल वाले हो तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। बता दूँ BEL में जो ये पोस्ट निकली हुई, जॉब निकली हुई है, 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकली है, यानी कि 1 साल बाद आपको हटाया जा सकता है। एज लिमिट मैक्सिमम 25 ईयर्स रखी गई है। तो अगर आपके पास BE/BTECH के बाद एक्सपीरियंस है 6 महीने का, जो जो ब्रांच मैंने बताया आप उससे BE/BTECH किए हुए हैं, तो एक बार नोटिफिकेशन जरूर देखिएगा, क्या पता आप एलिजिबल हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगली अपडेट आ रही है तमिलनाडु की तरफ से। तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से 500 पोस्ट निकली हुई है यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की, ठीक है। BE/BTECH कोई भी ब्रांच वाला अप्लाई कर सकता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, जो भी ब्रांच से आप BE/BTECH किए हुए हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर्म भरने की 14 सितंबर रखी गई है। तमिल कंपलसरी है, इस बात का ध्यान रखना, तमिल कंपलसरी है, ठीक है। फॉर्म भरने की फीस है 300 रुपये और 177 रुपये उन लोगों के लिए जिनके पास रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है, यानी कि जो SC/ST वाले हैं। एग्जाम सेंटर आपको चेन्नई, कोयम्बतूर, मदुरई और कुछ तमिलनाडु के स्टेट्स हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कुल मिलाकर 5 ही एग्जाम सेंटर रखे गए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। अगली अपडेट भाई लोग आ रही है वेस्ट बंगाल PSC की तरफ से। इम्पॉर्टेंट चीज ये है, अगर आपको इसका फॉर्म भरना है तो आपको बंगाली लिखना और पढ़ना जरूर आना चाहिए, ठीक है। 32 पोस्ट निकली हुई है। फॉर्म भरने की आखिरी डेट 4 सितंबर 2018 रखी गई है। BE/BTECH वाले कोई भी ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया बंगाली लिखना पढ़ना आपको आना चाहिए। एज लिमिट 21 से 36 साल रखी गई है। फॉर्म भरने की फीस 160 रुपये। SC/ST PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है और SC/ST सिर्फ बंगाल के ही बंदे एलिजिबल हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। भाई लोग इस जॉब अपडेट में अब मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, मैकेनिकल डिप्लोमा वालों के लिए और कोई भी जॉब नहीं है। आने वाली मैं जो जॉब बताने वाला हूँ उसमें ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं, BE/BTECH वाले अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे ब्रांच वाले, सिविल वालों के लिए बहुत सारी चीजें हैं, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो आप बिल्कुल आखिरी तक बने रहिएगा, मैकेनिकल वाले जा सकते हैं, लाइक एंड कंप्लीट करने में हमारी मदद जरूर कर दीजिएगा। अगली अपडेट आ रही है म्यूनिसिपल सर्विस कॉर्पोरेशन वेस्ट बंगाल की तरफ से। यहाँ पे सब असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और सब असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की 40-40 पोस्ट निकली हुई है, जिसके लिए BE/BTECH वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिजायरेबल रखा गया है 1 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या 1 साल की आपने स्टडी की है म्यूनिसिपल सर्विसेज में, तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। एज लिमिट मैक्सिमम 37 ईयर्स रखी गई है। फॉर्म भरने की फीस 150 रुपये रखी गई है। SC/ST वालों के लिए फॉर्म भरने की फीस है 50 रुपये। फॉर्म भरने की आखिरी डेट है 12/9/2018। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। भाई लोग अगली अपडेट आ रही है आसाम PWD की तरफ से। यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकली हुई है। असिस्टेंट इंजीनियर की कुल 161 पोस्ट निकली हुई है, जूनियर इंजीनियर की 307 पोस्ट निकली हुई है। भाई लोग इसके लिए BE/BTECH, AMIE और डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ सिविल वाले, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए BE/BTECH, जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा वाले। फॉर्म भरने की स्टार्ट डेट है 24/8/2018, यानी कि फॉर्म अभी शुरू नहीं हुआ है। फॉर्म खत्म होगा 7/9/2018 को। फॉर्म भरने की आखिरी डेट 7/9/2018 रखी गई है। फीस रखी गई है 250 रुपये और 125 रुपये, 125 रुपये रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जिनके पास है उनके लिए है। जरूरी बात यह है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश के साथ आसामी, बंगाली या फिर बोडा करके कोई भाषा होगी, इन तीनों में से कोई एक भाषा आपको जरूर आनी चाहिए इंग्लिश के साथ साथ, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप सिविल वाले हैं तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, अगर आप आसाम में रहते हैं तो। तो भाई लोग यही थी कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो जरूरी से लाइक करना भाई लोग, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और उनको भी बता दो भाई कि
पिछले हफ्ते में कौन कौन सी ऑथेंटिक सही जॉब निकली हुई है। नीचे कमेंट में अपनी राय भी बता देना, और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि मैं रेगुलरली आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान जय किसान।